हाय दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं खारदुंगला पास जो है 17,982 फीट की ऊंचाई पे, और हम निकल गए हैं लेह से। लेह से जो डिस्टेंस है खारदुंगला की वो है 39 किलोमीटर, और उसमें टाइम लगता है 1 आवर 12 मिनट का के आसपास का। तो चलते हैं इस सफ़र में खारदुंगला पास के। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से नीचे अब दिख रहा है पूरा लेह, जो पूरा का पूरा ही लेह है। और मैंने ये लिए हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे यहाँ पे वैसे ऑक्सीजन वैसे ही कम है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ वगैरह कुछ है नहीं। तो जहाँ पे हम जब जा रहे हैं लॉन्गेस्ट पास पे खारदुंगला, तो वहाँ पे प्रॉब्लम वगैरह ना हो, तो उसके लिए हमने प्रिकॉशन पे पहले ही दो पोर्टेबल सिलेंडर। तो अब आपको दिखाते हैं आगे, ये देखिए पूरा ले है ये। चलते हैं अब खारदुंगला के पास। लद्दाख में सिर्फ इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पास हैं, और सबसे फेमस है जो सबसे ऊपर है खारदुंगला पास। तो आज हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने खारदुंगला पास को। वर्ल्ड हाईएस्ट पास लेह लद्दाख, इसको कहते हैं खारदुंगला पास। तो यहाँ पे जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, या फिर हम कारगिल वाली साइड से आएँ या फिर मनाली वाली साइड से। तो आप अपना चूज़ कर सकते हो आप किस वाले रास्ते से आना चाहते हैं जो आपको सूटेबल हो। अगर आपके पास रेंटेड गाड़ी है किसी और अदर स्टेट की जो लद्दाख के अलावा है, तो शायद आपको यहाँ पर परमिशन ना मिले खारदुंगला पास में आने की। तो जितना भी हो सके अगर कोशिश करें कि रेंटेड बाइक या फिर कार आप लद्दाख जाने के लिए और खारदुंगला पास घूमने के लिए लेह से ले। जब यहाँ पे विंटर होता है तो ये भर जाती है पूरी जगह बर्फ़ से, और जो देखने वाला नज़ारा होता है वो और भी बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो अगर मुझे मौका मिला कभी यहाँ आने का विंटर के टाइम पे, तो आप लोगों से मैं ज़रूर शेयर करूँगा कि यहाँ खूबसूरती और कितनी बढ़ जाती है। खारदुंगला पास में हमें बस 20 मिनट तक मैक्सिमम यहाँ पे रुकना है, क्योंकि यहाँ लो ऑक्सीजन से प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे बोर्ड वगैरह में भी लिखा गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 20 मिनट तक रुकें और उसके बाद आप आगे चले जाएं। तो अभी हम हैं वर्ल्ड हाईएस्ट खारदुंगला पास में। तो इस खूबसूरत सी जगह पे हमें यहाँ पे है एक वर्ल्ड हाईएस्ट कैफ़े खारदुंगला, 18,380 किलोमीटर पे। तो आप यहाँ पे चाय मैगी वगैरह खा सकते हैं। और अब चलते हैं आगे के सफ़र की ओर, जो काफ़ी